गुड मॉर्निंग गाइस एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम रांची। तो फाइनली द लद्दाख ट्रिप खत्म हो चुका है। ये लाइन हम नहीं सुनना चाह रहे थे, लेकिन ठीक है, यही लाइन बोलना जरूरी है अभी। बहुत ज्यादा लंबा चल चुका था ये सीरीज, आई नो। हमें हमारे खुद के लोग बोल रहे भाई खत्म हो गया एपिसोड। हम ऐसा बोल रहे कि भाई क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी है हमारे पास, क्योंकि हमने कुछ भी मिस नहीं करा। मेरे को लगता है आपको जितने चीज हमने देखा है सब कुछ आपको दिखाया है बेसिकली। बहुत ज्यादा डिटेल में हमने जैसे जितना डिटेल में हम लोग बोलने लगते उतना ही डिटेल में वीडियो भी बनाते हैं। शुरू करते हैं आज के वीडियो को अपने पुराने टैगलाइन से। तो मैं हूं अंकित, मैं हूं बीच, और आप देख रहे हैं सबसे पहला जो सबसे जनरल क्वेश्चन था और सबसे ज्यादा इंक्वायरी था। अगर Q&A नहीं भी करते तो ये वीडियो तो जरूर बनाते, जिसमें हम लोगों को बताना था बजट। कॉज सिर्फ Q&A में या आप व्यूअर्स कमेंट में नहीं, इवन मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे जान वाले लोग, पर्सनल लेवल पे भी क्वेश्चन बहुत रेज हुए हैं कि कितना खर्चा। सबसे बड़ा बात एकदम सिंपल लाइन में आपको बताते हैं खर्चा कितना हुआ। करेक्ट, व्हाट इज द बजट। और इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि आप रांची से जब लद्दाख जाते हो और वापस आते हो तो बजट कितना आपको लगेगा। वी विल गाइड यू कि आप बजट अपना बना कैसे सकते हैं, और उसके साथ हम लोग एक प्रो टिप भी शेयर कर देंगे कैसे आप अपने ट्रिप को बजट फ्रेंडली बना सकते हो। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आता है ट्रैवल का, तो अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो फ्लाइट चार्जेस हमेशा चेंज होते रहते हैं अलग अलग प्लेसेस से। 5,000-6,000 ऑन एन एवरेज आपको लगेगा ही ले पहुँचने का। सेकेंडरी अब अगर बात हो गई ट्रेन से, तो ट्रेन से आप सिर्फ जम्मू तक जा सकते हो, वहाँ से आपको कुछ बाइक या फोर व्हील ट्रैवल्स वाले से आपको बात करना पड़ेगा। हमारे कांटेक्ट में कुछ ट्रैवल्स वाले हैं जिन्होंने हमें अलग अलग पॉइंट में बहुत ज्यादा हेल्प किया है, बट मेजरली थोड़ा सा मेरे को लगता है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि बाय टाइम एक दिन का आपको 2,000 रुपया वो सिर्फ ट्रैवल गाड़ी से ही चार्ज करेंगे। करेक्ट, मतलब मिनिमम तो मेरे को लगता है वो 2,000 रुपया लेंगे लेंगे उस जगह पे। करेक्ट, अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हो और आपको प्लान करना है, आप बहुत अच्छे बड़े ग्रुप में जा रहे हो, लाइक 6 लोग जा रहे हो, तो आई थिंक इनोवा टाइप का कुछ बुक कर सकते हो जिसके थ्रू आप कर सकते हो। लाइक फैमिली प्लान भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भी हमारे वीडियोस को देखते हैं। अगर आप वही बात है, अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल लेके जाओगे तो आपका ऐसे ही बजट बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और कम होता जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कितने लोग लेके जा रहे हो। अगर आप लेके जाओ, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो सबसे बड़ा सवाल आएगा कि कितना पेट्रोल लगेगा। और सबसे ज्यादा महंगा अगर इंडिया में बात करो तो अभी पेट्रोल हुआ है, सबसे ज्यादा खर्चा वही होता है किसी भी बाइक ट्रिप पे, सबसे ज्यादा यही होता अगर है। अगर ये ट्रिप 4 साल पहले हम लोग किए होते तो हम लोग का जो अभी हम लोग आप लोग को बजट बताएंगे उससे आधा बजट होता। मतलब अगर हम लोग का 40,000 खर्चा हुआ इन केस, अगर जनरल मान लो, तो अगर ये ट्रिप 4 साल पहले हो रहा था तो 20,000 में निपट गया होता भाई। तो हमारा पेट्रोल में अप्रोक्स लगा 18,000 रुपए बेसिकली। हाँ, ऑन एन एवरेज 18,000 to 20,000 वी कैन से। अगर हमारी बाइक मेरे को लगता है 35 kmph, मेरी बाइक तो मेरे को लगता है 32 kmph दी होगी हाईवे पे, 35 दी होगी। इसकी बाइक भी सेम 35 kmph, 200 cc की बाइक है। तो हाँ, बाइक पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा आपका पेट्रोल, क्योंकि हमारा 200 cc का था तो हमारा इस तरीके का है, थोड़ा सा कम हो गया। अब आपकी बाइक अगर मान लो 390 cc की कोई बाइक है, लाइक KTM वगैरह है, या हिमालयन ले जा रहे हैं, हिमालयन है तो हिमालयन तो और भी ज्यादा लगेगी, फ्यूल एफिशिएंसी उसकी थोड़ी सी नीचे है, तो आप जैसे उसका आप देगा 25 kmph, तो पर लीटर अगर 25 kmph देगा तो फिर उसमें आपको 22,000 के आसपास का पेट्रोल लग जाएगा। तो ऐसे आप अपना एक बजट तैयार कर सकते हो कि आपके पास बाइक कौन सी है और आपकी बाइक की फ्यूल एफिशिएंसी ऑन एन एवरेज क्या है, और इसको सब निकाल सकते। और इसको आपको ऐसे प्लान करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नॉर्मल सिटी या हाईवे राइड में आप जाते हो और वहां से अगर ट्रैक करते हो अपनी माइलेज, और माइलेज अगर आपको आ रही है अप्रॉक्स 50 की, ठीक है, तो आपको ऐसे ट्रैक करना है कि जब आप हाईवे में चलोगे आपको डिवाइड करना होगा रूट को, लाइक हमने भी वैसे ही किया था, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा बजट में डिफरेंशिएशन मिल जाएंगे। क्योंकि तो यहाँ से जब हम लोग निकलते तो मेरे को लगता है दिल्ली तक सिर्फ अपने को हाईवे ही हाईवे। करेक्ट, चंडीगढ़ तक पूरा हाईवे है, मनाली तक मेरे को लगता है नहीं, मनाली कम चढ़ाई है, कम चढ़ाई है, चलो बिलासपुर, बिलासपुर से मान लेते हैं, बट रोड्स अच्छे हैं तो चढ़ाई का पता नहीं चलेगा। करेक्ट, लेकिन मनाली के आगे आपको रोड्स भी थोड़े से डैम्प मिलने लगेंगे, ऐसा ऑफ रोड मिलने लगेगा, तो उसमें ऑब्वियसली फ्यूल ज्यादा लगता है। करेक्ट, जब आप जा रहे हो तो सेकंड जो आपका सबसे बड़ा खर्चा होने वाला है वो होना है स्टे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोग जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सोलो जा रहे हो तो ऑन एन एवरेज आपको पर डे का कम से कम 1,000 रुपए तो पकड़ना ही है, ठीक है। लाइक उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपको शायद 400-500 में गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है 700 में रूम अच्छे होटल मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1,500 भी लगेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जब गए थे तो हम लोग 7 लोगों का ग्रुप गया था इनिशियली, फिर पैंगोंग से हम लोग 3 लोग बचे थे। तो 3 लोगों ने से फायदा ये हो जाता है
कि आपको होटल्स में ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको 1200 में मिल रहा है, तो पर हेड क्या आया 400, मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप बात करोगे तो 25 दिन का हमारा जो राइड है, तो वी कैन से कि हम लोगों का कितना आया होगा, 10,000 रुपये, 10,000 के आसपास हमारा होटल में जाएगा, मतलब गया है। प्लस इसके एडिशनल अगर आप कैंपिंग करने में एक्सपर्ट हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको कैंपिंग का तो बहुत है, पैसा बचा सकते हो भाई एकदम हमारे चीप, बहुत सारे ब्लॉगर मित्र गए हैं जो कैंपिंग करके रहते भी हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा और आप भी रह बचाने की सकते कोशिश भी हो। करते हैं, राइट। तो आप भी रह सकते हो, तो ये दिस इज अ गुड सजेशन एज वेल, एक नया एडवेंचर और एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। दो चीजें हम लोगों ने बात कर ली, अब तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, फूड तो फूड में आपका क्या खर्च आएंगे। फूड डिपेंड्स अपॉन अप्रोक्स, पर हेड अगर हम बात करें तो पर मील की आपको 200-250 रुपये लगेगी एक इंसान की, पर पर्सन 200 से 250 रुपये लगेगा, मतलब पूरे दिन का अगर हम बात करें तो 1 पर्सन कैन ईट अप्रोक्स 500 रुपीज पूरा का खाना। पूरा खाना, क्योंकि 90% प्लेसेस जहां भी आप स्टे करोगे वहां पे खाना आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, ब्रेकफास्ट आपको मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। और जब आप आगे जाओगे लाइक पैंगोंग एंड उधर जब गेस्ट हाउस में रुकोगे या होम स्टेज में रुकोगे तो वहां पे डिनर भी इंक्लूडेड रहता है, और बहुत नॉमिनल चार्जेस वहां पे रहते हैं, हाँ लाइक ट्रस्ट मेरे को मी। लगता है कि 1,000 में एक दिन रहने का विथ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा बींग फ्रेंक, तो मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। लद्दाख अगर आपको जाना है तो आप पैसे से नहीं जा सकते, आप अपनी इच्छा से जा सकते हो, अपने इंटरेस्ट से जा सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास इंटरेस्ट रहेगा तो आप अपनी पूरी तैयारी करोगे। आज के डेट में आई थिंक यूट्यूब है जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ, बट ऐसा है कि YouTube में 12 मिनट में हम लोग भी बहुत कुछ नहीं दिखा पाते जो हम लोग के साथ करेक्ट। होता है, ठीक है। तो आपको सच में मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब जैसे गुरुडोंग मार लेक गए थे हम लोग हाँ जब सिक्किम वाला राइड किया था, तो मेरे को याद है कि हम लोग जब जा रहे थे तो लोगों ने हमें बहुत कहा था कि ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। तो आई वॉज लाइक कि ऐसा क्या भाई, लेकिन फिर जब हम जाने लगे तो हमें पता लगने लगा कि अच्छा बाय द टाइम कि हमें मेंटली प्रिपेयर नहीं थे इस चीज़ों के लिए, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा डैम थे, खराब थे, ब्लैक आइस थी, बट हम फिर भी गए। तो आपको ऐसा, हमने सिक्किम राइड करके अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करा था। अगर आप फर्स्ट टाइम लद्दाख कर रहे हो तो आपको बहुत मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि यस वी आर फिजिकली गोइंग भी टू आपको लद्दाख। थोड़ा सा हाँ एक्सरसाइजेज एंड ऑल शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप एकदम जिम जा रहे हो एंड ऑल, वो हम लोग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप, वी विल सजेस्ट कि एटलीस्ट बेसिक एक्सरसाइजेज आप शुरू लाइक आप कर फिजिकल लो। फिट होने चाहिए, थोड़े रनिंग वनिंग करो ताकि आपकी जो सांस बहुत ज्यादा फूलती हो वो ना फूले, क्योंकि वो बहुत हायर ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पे होता है, तो वहाँ पे जो एयर का क्वालिटी होता है वो बहुत थिन होता है, तो आपको राइट। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाता है। सो ओवरऑल अब हमने जो बजट बनाया, उससे बजट आपको स्पेशली बताया, उससे आपको ये समझ में आ रहा है कि आप करीब 20,000 रुपये का पेट्रोल लगेगा। अगर आप सोलो जा रहे हैं एक बाइक पे हाँ तो 20,000 रुपये का पेट्रोल दो लोग जा रहे हो तो लगेगा, 10-10 हज़ार शेयर हो जाएगा, करेक्ट, बेस्ट पॉइंट। लेकिन फिर वही हो जाएगा कि आपके पास सामान रखने के लिए स्पेसेस नहीं कम हो चाहिए, जाएंगे। तो वो आप अपने हिसाब से अपना लगेज सेलेक्शन देख लेना कि आप क्या ले जाना चाहते हो, क्या नहीं ले जाना चाहते। अभी सबसे पहले हम लोग वापस से समराइज करते हैं बजट को, तो 20,000 रुपये पेट्रोल का पकड़ लो आप, 10,000 रुपये अप्रॉक्स पकड़ लो स्टे का। इसको आप हर चीज में बफर थोड़ा सा हाँ रखना, बफर ऐसा नहीं कि रखना, कट टू कट आप लेके जा हम रहे आपको थोड़ा हो। सा बढ़ा के ही बोल रहे हैं, आप इसमें कम ही समझना। पेट्रोल का तो नहीं पता, बट अगर आप फूडिंग और लॉजिंग का लॉजिंग लोगे में आप 10-10 हज़ार पकड़ हाँ लो, पक लो, और बट वो बफर रहेगा पांच आपका। हजार का आप हमेशा अपने पास बफर अमाउंट रखो इस दोनों ही चीजों में। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर बजट अभी अगर देखा जाए तो 40,000 रुपये का बाई बाई पड़ रहा है एक पर्सन का, अगर आप सोलो जा रहे हो तो, और अगर आप डुअल जा रहे हो तो 30,000 रुपये का पड़ेगा। पड़ेगा तो 30,000 रुपये एक पर्सन पे अगर आप खर्च कर रहे हो जाने के लिए, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि 30,000 प्लस कम से कम 15,000 रुपये या 20,000 रुपये का आप बैकअप लेके चलो। फॉर एग्जाम्पल आप कभी गए कहीं और आपकी गाड़ी फंस गई, और फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लोडर गाड़ी से आपको अपनी गाड़ी को मैकेनिक तक ले जाना, तो वही शायद 4-5 हज़ार रुपये ले लेगा। अगर हम बजट की बात करें तो अभी तक जितने भी बजट के से रिलेटेड बात हमने आपको बताया है वो ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली कोई भी कैलकुलेट करेगा, ठीक है। बट कुछ ऐसे प्री एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो कोई भी पहले सोचता नहीं है प्लान करने से पहले, बट ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो शायद कभी कभी जो एक्चुअल एक्सपेंसेस उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मेरे पास मेरे को जाना था लद्दाख, और हम लोग दो लोग थे, दो भाई, तो हम लोगों के लिए था कि एक बाइक हमें लेना पड़ेगा, बिकॉज एक बाइक में नॉट पॉसिबल, नॉट ठीक है। पॉसिबल। तो उस समय हमारे लिए एक एडिशनल खर्चा आ गया कि बाइक के लिए, चलो ठीक है, बाइक इज अ असेट। देन मेरे पास था कि मेरे को एक कैमरा चाहिए, बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द सिक्किम राइड की, मतलब जिस क्वालिटी का वीडियो मेरे को बनाना था वो वीडियो सिक्किम में हम नहीं बना पाए थे।
एंड ड्यू टू सम रीजंस वी वर शॉर्ट ऑफ कैमराज एज वेल, बिकॉज थोड़ा सीजन हाई था. ठीक तो है, बेसिकली मतलब आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करेक्ट. कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है अब. लेकिन अगर आप बाइक से जाओगे तो सबसे बड़ा एक रिक्वायरमेंट वो आता है कि आपकी सेफ्टी. अगर आप बाइक राइड की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है सेफ्टी. और सेफ्टी की बात करें तो जो जनरल लोग समझते हैं बाइक राइडिंग में सेफ्टी के लिए, वो सिर्फ हेलमेट होता है. तो हेलमेट तो आपको ज़रूरी है, हेलमेट, और वो भी फुल हेलमेट होना चाहिए. एडिशनली आपको और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है एक राइडिंग जैकेट की. अगर आपके पास राइडिंग जैकेट नहीं आ रही है, नहीं है आपका बजट राइडिंग जैकेट का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप राइडिंग गियर्स ले सकते हो करेक्ट जो कि इससे हाफ दाम में मिलते हैं. हाफ बट से भी हाँ, हाफ. हाफ से भी हाफ नहीं, लाइक वो क्वालिटी वाइज की हम बात कर रहे हैं कि हाँ अगर जैसे अगर आप किसी ब्रांड के सिर्फ गियर्स लेने जाओगे, तो अगर मैंने सिर्फ राइडिंग जैकेट अगर 8,000 में लिया है, तो गियर्स उसका मेरे दो को हजार ढाई गियर्स हजार दो का ढाई है. 3,000 में मिल जाएंगे. तो आप करेक्ट, क्वालिटी वाइज भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि अमेजोन पे आपको 7-800 के भी प्रोडक्ट मिलते हैं, बट आप राइट, उसको ऐसे मोड़ोगे तो वो खत्म हो जाना है भाई. तो वो आपको क्या बचाएगा, उसे खुद बचने की जरूरत है. करेक्ट. तो एक अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट लेना, क्योंकि उससे आपकी जान बचेगी. अगर अनफॉर्चुनेट कुछ होता है तो इट विल हेल्प यू टू सेव योर लाइफ, दैट द सबसे मेन बड़ा पार्ट. पॉइंट यही है, हाँ बिकॉज हमने खुद से ऐसे दो तीन इंसिडेंट्स देखे जहाँ पे हमारी बाइक्स गिर गई, लोग गिर गए, हमारे टीममेट्स गिर गए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी एज इन स्क्रैच तक नहीं आया. तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द राइडिंग गियर्स. हाथ में ग्लव्स हमेशा हो, नी गार्ड हो आपके पास, या राइडिंग पैंट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हो, बूट्स आप पहनो, शूज हमेशा पहन के चलाओ, ये कभी भी राइडिंग शूज चप्पल, पहन के करेक्ट, चलो, चप्पल चप्पल या फिर वप्पल तो बिना कभी कुछ भी भी नहीं भाई, गलती नो से नहीं, स्लीपर और ठीक है, सैंडल. वो सब गलती मत करो. तो और मैं तो दिन बोलूंगा कि बेसिक शूज भी ना ही रखे, स्पोर्ट करेक्ट शूज भी ना रखे, एक राइडिंग शूज ले लें अगर जरूरी आप है, राइड करते हो तो. मेरे को लगता है हजार आजकल रुपए में भी बूट आजकल मिल नहीं, जाता आजकल है. नाइक के शूज सभी सबके पास होते हैं, मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द इंसान के पास, क्योंकि 2,500-3,000 में शूज आजकल मिल जाते हैं नाइक, राइट, और 2,500-3,000 में एक बेसिक राइडिंग शूज भी मिलते हैं. तो आप वो भी ले सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा पैरा ट्रूपर सा बेनिफिट, जो हमने लिया था वो भी हजार में थर्टीन आ हंड्रेड के जाता है अगर आसपास का बजट था. नहीं है हाँ, अगर तो. बजट नहीं है तो वो 1,300 का वो ले सकते हो. बट करेक्ट, बूट प्रेफर करो, शूज मत प्रेफर करो, बूट के राइट. जो हाई लेंथ पे होते ऊपर तक होते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ. और क्या क्या एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, और आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपका लगेज बैग. फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक से जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने ट्रॉली बैग में तो नहीं लेके जा सकते, ट्रैवल बैग में. तो आपको चाहिए कुछ सैडल बैग्स, कुछ टॉप बॉक्स, एक टॉप बॉक्स चाहिएगा जो आप बाइक के पीछे लगाओगे, बिकॉज सामान कैरी करने के लिए इनफ स्पेसेस होने होने चाहिए. चाहिए. और कोशिश करो जब भी ये सब चीज़ें लो तो हमेशा वेदर प्रूफ लेना, वाटर प्रूफ रहे. सैडल बैग के लिए आप सैडल स्टैंड लगा लेना, क्योंकि लद्दाख वाला जो है वो पूरा ऑफ रोड वाला रीजन है, वहाँ पे सैडल बैग आप डायरेक्ट अगर आप लगाते हो अपने बाइक पे तो 99% चांसेस है कि वो फट जाएगा. फट जाएगा एज इन वो क्या होता है कि आपके बाइक के तरफ, बाइक का जो टायर है उसके तरफ थोड़ा सा जो सैडल बैग है वो एंटर कर जाता है, और फिर सैडल बैग में धीरे 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 वो फटने लगता है, छेद हो जाता है एंड और ऑल सबसे बड़ा बात, वो बहुत बड़ा कारण बन सकता है एक्सीडेंट एक्सीडेंट होने का. का, तो करेक्ट इस वजह से भी आप वैसे ना यूज़ करें, सैडल स्टे लगा ले तो. करेक्ट और अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमारा प्रीवियस वीडियोस है, जिसमें हमने बताया कि हमने एक्सपल्स में कैसे मॉडिफिकेशंस करेक्ट करें, मेरे बाइक में हमने कैसे मॉडिफिकेशंस करे, और अगर हम क्या क्या लेके गए थे इस ट्रिप पे, वो डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि हमने इस सीरीज के सबसे पहले वीडियो में वही बताया कि हमने क्या क्या चीज़ कैरी करी है. तो बेसिकली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी चीज़ें, आपका बजट ऊपर नीचे हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है बस. और सबसे बड़ा बात कि आपका बजट फ्लक्चुएट भी कर सकता है आपकी आइटनरी के ऊपर भी, कि आप कितने दिन का आइटनरी अपना प्लान कर रहे हैं. लाइक अगर 20 दिन का प्लान कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बनेगा. अगर आप दिल्ली से कर रहे हो 20 दिन का, तो आपको पहुंचने में 2 ही दिन लगेंगे, मतलब आपका 18 दिन का आइटनरी है, तो उसमें आपको ज़्यादा लग सकता है. बेसिकली हम यहाँ से प्लान कर रहे हैं तो हमें पहुंचने में लगता है 10 दिन, और करेक्ट हमारा वहाँ पे जो भी ट्रिप था वो 10 दिन का था, तो उनका 18 दिन का, दिल्ली वालों का 18 दिन का, हमारा 10 दिन का. बट अगर आप बजट मिलाओ तो सेम ही पड़ेगा. करेक्ट तो वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह से जा रहे हो, कहाँ से जा रहे हो, आपका आइटनरी कितने दिन का है, वो सब कुछ वैरी करेगा. तो इस वजह से ये बहुत प्रो टिप है, आप अपना सब कुछ डे बाई डे हिसाब कर लेना, पेट्रोल में क्या खर्चा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, फूड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, एक अजम्पशन लेके आप अपना एक बेसिक बजट तैयार कर सकते हो. करेक्ट. और जाने से पहले आप अपनी बाइक्स को अच्छी हंड्रेड से परसेंट सर्विस, सर्विस करवा लेना, एक्स्ट्रा आप मोबिल वगैरह लेके रखना, इंजन ऑयल्स वगैरह एक्स्ट्रा रख लेना. और आई थिंक इससे ज़्यादा अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आई बटन पे डाल दे रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ लद्दाख, जहाँ पे हमने क्या क्या तैयारी की थी वो आपको समझ में आ जाएगा. अब बारी है क्यू एन ए वीडियो की, तो लेट स्टार्ट द क्यू एन ए. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबने पूछा है, जिसमें से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे एकदम खास मित्र का आया, जो हमारे ऐसे पेज पार्टनर है कह सकते हैं, लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे, हमारे हम भैया. नाम किसी का शेयर नहीं करेंगे आई थिंक. तो
हम लोग सबके क्वेश्चंस लेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सारे भी नहीं है और कम भी नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए ना, जितना एक आदमी एक वीडियो में केटर कर सके, आई थिंक वो है। तो हाँ फटाफट शुरू आज करते हैं Q&A सेशन। था भाई कि लद्दाख में कैसे मरे भाई, इसका जवाब अंकित ही देगा। देखिए ऐसा है कि लद्दाख एक ऐसा रीजन है कि वहां आप जाओगे तो आप ऐसे ही मर जाओगे, वहां की खूबसूरती देख कर मर वाह जाओगे। वाह वाह वाह, जन चैट भी लिख रही है, चैट में 2 चार कमेंट कर दो। वाह वाह, इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि, और यार जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, तो आई विल सजेस्ट कि कभी भी अगर आपके दिमाग में ऐसा नेगेटिव थॉट आए तो ऐसा मत सोचो, गाड़ी उठाओ लद्दाख चले जाओ। एक दो दूसरा सवाल है कि लद्दाख का इतनी प्लान एंड एक्सपेंडिचर, तो हमने ये बता दिया है और लोगों का प्यार तो हमें है ही भाई। इसके लास्ट वाली लाइन में लिखा लव फ्रॉम धनबाद, तो ठीक है भाई, लव फ्रॉम रांची एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार बरसाने के लिए। और एक और सवाल है, आइटनरी अगर आपको प्लान करना है तो हमारी वीडियो आप पूरा देख लो सारे, आपको आइटनरी समझ में आ जाएगी। एग्जैक्टली प्लस एक एडिशनल प्रो टिप दे देते हैं कि आपको हम एक मैप शेयर कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही रिनोन्ड यूट्यूबर है, फैल्कन राइडर, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक मैप बनाया है लद्दाख को लेके। तो मैप वो मैप समझ लो हमारे जैसे राइडर्स के लिए ही है, तो एग्जैक्टली वो मैप मैं शेयर कर देता हूँ आपको इसी स्क्रीन पे, दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं लिंक दे देता हूँ नीचे, आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हो इजीली। इसके 2 3 मैप्स हैं, आप सारे सारे के लिंक ले लो, एक्चुअली लिंक ले लो बेटर रहेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 3 मैप है मेरे को लगता है, जम्मू वाला पूरा रूट बना हुआ है, करेक्ट, सिर्फ मनाली वाला एक पूरा रूट बना हुआ है, तो हमने सिर्फ मनाली वाला मैप हमारे पास है, तो हम आपको वो शेयर कर दे रहे हैं ऑन स्क्रीन, और बाकी तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको राइट। पूरा मैप मिल जाएगा, डिटेल्ड मैप। और इसके बाद भी अगर आपको पूरा और डिटेल में आइटनरी चाहिए कि लाइक मनाली से आगे कैसे गए, डे वन क्या किया, डे टू क्या किया, कहाँ स्टॉपेज रखे कहाँ नहीं रखे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, इंटरेस्ट दिखाओ। अगर आप में है, मतलब आप चाहते हो वैसा वाला वीडियो बनाए, तो ज़रूर वी विल क्रिएट सम वीडियो लाइक दैट टू गाइड यू एकदम डिटेल में, डिटेल में। और नहीं तो आप पर्सनली भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और एक सवाल था हमारा कि हमें भी ले चलो, तो ये हम करेंगे कुछ टाइम में, लाइक सुन सून करेंगे, क्योंकि अभी तो हम खुद ही ट्रैवल कर रहे हैं, हमने 2 3 ही डेस्टिनेशंस कवर किए, तो हम पहले घूम लेना चाहते, हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बढ़ा लेना चाहते, क्योंकि अभी हम लोग 7 लोग गए थे तो हमारी चीज़ें बहुत क्लमजी हो गई थी, तो अगर हम आप लोगों को लेके जाएंगे तो भाई वो हमें यही रह जाएगा कि हमारे सब्सक्राइबर हमें संभालना, हमारे चाहने वाले, तो समझो अभी नहीं, बट इसको प्लान करेंगे जल्दी कि हम लोग सबको एक राइड करें, लंबा राइड आई करें, विल ठीक सजेस्ट है, कि हम लोग छोटा राइड कर सकते हैं 1 या 2 दिन का इनिशियली, और लाइक बाद में बड़ा जो वाला जो कर सकते लोकलाइट हैं है वो तो राइड। कर सकते हैं हमारे साथ, अब जो बाहर से जिनको ये चीज शौक है तो उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, हम राइट करेंगे राइट, ये चीज। आप लोग सजेस्ट करो कि कहाँ कहाँ आप लोग चाहते हो क्या ये और सब। एक आखिरी सवाल तो अंकित का ही था कि हम लोग अगला ट्रिप कहाँ जा रहे हैं, तो इसका जवाब है शायद केदारनाथ, शायद शायद है, ठीक है। केदारनाथ, जी हाँ, बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए हमारी आंखें तरस चुकी है, पिछले 2 साल से प्लान बन लेकिन रहा आपको है। अभी इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पे दुबई ब्लॉग्स मिलेंगे, उसके बाद नेतरहाट ब्लॉग्स मिलेंगे, उसके बाद शायद आपको केदारनाथ के ब्लॉग्स मिल सकते हैं, आप लोग मनाओ कि जाएं, वरना फिर हमारे मन में एक और डेस्टिनेशन है स्पिति, बट शायद हम जब लद्दाख गए थे तब हमें लोग कहते कि उसी समय कर लेते, लेकिन भाई पैसे नहीं होते ना भाई, समझो, जाने को कहीं भी जा करते हैं हम सकते लोग हैं। कुछ अच्छा सा हाँ प्लान, आप लोग सजेस्ट करो कमेंट बॉक्स में कि आप हमें कहाँ देखना चाहते हो, कौन सा ऐसा एरिया जो आप चाहते हो कि हम कवर करें एग्जैक्टली अपनी लेंस से। एक क्वेश्चन आया है, हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन दिस ट्रिप एंड हाउ दिस राइडिंग जर्नी स्टार्टेड। गजब का सवाल है, एक्सपीरियंस की एक्सपीरियंस तो बात हमने करें, शेयर कर ही दिया, अगर भाई इट वाज फ्लॉलेस, अगर आप भी जाओगे तो आपका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, हमने बहुत चीजों का सामना किया ऊपर नीचे, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, बट ठीक है, एक्सपीरियंस वाज बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको वहाँ के एक्सपीरियंस से 2 चीज़ आपके अंदर क्वालिटी एक बढ़ जाएगी, एक पेशेंस और दूसरा स्ट्रगल करने की हिम्मत, ये 2 चीज़ आपके अंदर आ जाएगी, मतलब आप हार नहीं मानोगे आई बिलीव, अगर आप लद्दाख कंप्लीट करके आ गए हो तो अपने लाइफ में कभी हार नहीं मानोगे। और भाई हाउ इट स्टार्टेड, तो हम और हाउ अंकित इट ऐसे कोई स्टार्टेड, छोटा चीज सोचे ही नहीं हाउ इट स्टार्टेड इज कभी। कि अगर लद्दाख ट्रिप की बात करें तो हाँ, छोटा चीज़ नहीं छोड़ सोचते हैं, वी ऑलवेज ड्रीम बिग। बोलता है चलो घूमने, हम बोले चलो बहुत कम, लद्दाख। बहुत कम हम लोग छोटा प्लान, छोटे चीज़ों का प्लान करते हैं, हमारे 99% प्लान्स फेल भी होते हैं, ठीक है। नीड अ टोटल एक्सपेंस एंड टूर गाइड वीडियो, तो ये आपको मिल गया आई होप, आई थिंक ये पूरा वीडियो शुरू से लेके पूरा एंड तक सीरीज आप देखोगे देख लो, हम लोग तो डिटेल में ही करते हैं पूरा सब डिटेल कुछ। मिल जाएगा आपको। Throughout your journey, what was the best experience and your take from the whole trip? पूरा पूरा बाइक राइड इज लाइक पूरा फन होता है भाई, आप जब बाइक स्टार्ट करके आप अगर घर से निकल चुके हो और आपको पता है कि आपको उस दिन घर नहीं जाना है,
और आपको पता है कि आप अगले 25 दिन तक घर नहीं जा रहे हो, आपको सिर्फ उस बाइक के साथ रहना मेरा है। ऐसा मानना है ना कि एक बार आप बाइक स्टार्ट करके आप किसी लाइक किसी भी ट्रिप पे निकल जाते हो एग्जैक्टली ना, तो आप सेम दुनिया में नहीं रहते हो, हाँ, वो अलग आप होता है भाई, दुनिया वो अलग हो आपको जाती आपको है, सुबह उठ के आपका भाई लाइफ बैग स्टाइल पैक चेंज हो करना, जाता आपको है। करना वही काम है रोज कि आपको उठाना है, अपना बैग पैक करना है, बाइक चलाना है 500 किलोमीटर, बट करेक्ट, वो वाइब अलग होता है, वी कांट एक्सप्रेस, आप वो खुद फील करोगे अगर जाओगे तो। दुनिया ही बदल जाती है, मेरा यही एग्जैक्टली मानना बट है। एंड योर वो अलग टेक, होती है एंड योर फीलिंग। टेक फ्रॉम द होल ट्रिप ये रहेगा आई थिंक कि यार हम लोग ना सोचते बहुत हैं और करते बहुत कम हैं, तो सोचो मत और करो, हाँ क्योंकि आप लोग लद्दाख इधर जाके होते आ हैं। गए ना तब पता है कि लद्दाख में था क्या, हाँ नहीं तो यहाँ से सोचते रहेंगे कि हाँ करेंगे जाएंगे। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि करेंगे, अब घूमेंगे, ठीक है ये चीज़ तो क्लियर है। चाहे वीडियोस चले नहीं चले, व्यूज आए नहीं आए, वीडियो एडिट करेंगे अपने अपने लिए, लिए करेंगे, आज से 4 साल बाद देखेंगे क्या किया क्या नहीं, अपने क्योंकि बच्चों को भाई मेरे दिखाएंगे। को 6 महीने के बाद नहीं याद रहने वाला कि लद्दाख में वो पहाड़ कहाँ था, बट आज के डेट में अपन में वीडियो खोल के देखेंगे तो मेरे को याद आएगा कि अच्छा मनाली से पहले ये सारी जगह थी और मनाली के बाद ऐसा सीन था। कल ही हम सिक्किम अपन वाला अपना वीडियो देख रहे थे जिसमें हम लोग एक्सीडेंट हुआ, तो वो देखे तो वापस से मेमोरीज अलाइव हो गया। तो इट वाज, आई थिंक इट इज जस्ट फन एंड टू डॉक्यूमेंटेट आर लाइफ। हाँ एक क्वेश्चन है, लद्दाख का आइटनरी प्लान एंड एक्सपेंडिचर, एंड बाय द वे लव योर लद्दाख सीरीज यही हो एंड गया लोल फ्रॉम लद्दाख, फ्रॉम धनबाद, थैंक्स। भाई, धनबाद से प्यार धनबाद के से लिए प्यार खूब के सारा लिए खूब प्यार सारा प्यार है के यहाँ लिए से। खूब सारा शुक्रिया। और लद्दाख की इटनरी हमने आपको बता दी है, और अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो फिर से बता, सेम क्वेश्चन, सेम मेरा रिक्वेस्ट है कि कमेंट करो, और एक अलग से सिर्फ आइटनरी को समझाएंगे, कैसे प्लान करें वो भी समझा देंगे। तो इस साल हम साथ में कुछ क्रिएट कर पाएंगे, ऐसा हमारे महापुरुष। अरे 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 तो भैया ऐसा है कि जो हमें सबसे देखो ऐसा प्रमोशन ही कर रहे हैं भैया का, क्योंकि हमें बहुत पसंद आते हैं भैया करेक्ट, भैया का जो नरेशन है ना, तो आप बहुत लोग आप जानते होंगे चैनल का तो रांची नाम। टी आकर्ष, उनका हाँ चैनल का आप पहले चैनल नाम का नाम हो था गया है आकर्ष आकर्ष सिन्हा, सिन्हा। बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, हम मिले नहीं है कभी, लेकिन भाई वो मित्रता जो होती है वो बन जाती है, ठीक करेक्ट, है। हमने सब बात करा तो हमें लगा कि हम बिछड़े हुए भाई हैं मेरी और जब आकर्ष की बात है, तो अगर आकर्ष तुम ये वीडियो देख रहे हो तो वो दिन मुझे याद है कि जब मेरी और तुम्हारी पहली बार बात हुई थी, मुझे लगा ही नहीं भाई कि मैं किसी ऐसा 10,000 वाले यूट्यूबर से बात करूँ, मतलब ठीक है इट मैटर्स ब्रो, ऐसा तुमको लगता होगा कि कुछ नहीं होता हमारे लिए है, तो बहुत बड़ा, करेक्ट, मैटर करता है वो 10,000 लोग को हैंडल करना, इट मैटर्स। तो भाई तुम हमें, मुझे नहीं लगा था कि यार तुम, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं है भाई, तुम समझ रहे हो आई ना, थिंक अगर रांची तुम में कोई अच्छा व्लॉगिंग करता है जिसके पास क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, नरेशन बोलने का भाई, बहुत नरेशन अच्छा, सबसे करेक्ट बड़ा बात, नरेशन है, एंड नरेशन सबसे भाई। एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट कि एडिटिंग की भी मैं बात करूंगा कि वो भी काफ़ी अच्छा करते हैं, तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द दोज जो अच्छी आप जो क्वालिटी। आप उसको भी हाँ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया, आकर्ष सिन्हा चैनल का नाम है यूट्यूब पे, 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे, तो अगर आपको चैनल नहीं मिले तो मैं इसलिए सब्सक्राइबर काउंट बता रहा हूँ, 10-12 हज़ार के आसपास होंगे, तो हम आप लिंक डाल देंगे जाओ डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी आपको मिल ज़्यादा मेहनत जाएगा, नहीं करना है। प्लीज गो जाओ सब्सक्राइब करो, ऐसा प्यार भर दो भाई उसके हाउ लिए वॉज द कि ट्रिप? द ट्रिप काफ़ी अच्छा था, नहीं रेनी सीजन का भी ब्लॉग करने का कोशिश करिए, भैया नहीं हो पाएगा, ठीक है। व्हाट्स किच नेक्स्ट? किच तो व्हाट्स चलता नेक्स्ट है। इज केदारनाथ, अनाउंस कर रहे हैं, अगर खुले रहेगा, कोविड सिचुएशन सही रहेगा, लाइफ में चीज़ें कंट्रोल्ड रहेगी, तो केदारनाथ जी। तो एक हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में आया था, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल वीडियो, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटिफुल विथ अस। और इस इंसान का कमेंट हमारे सारे वीडियोस पे, तो इस तो इंसान को भी बिग पता होगा थैंक्स, कि किसको इसको आप, स्पेशल शाउट आउट, इसको स्पेशल शाउट आउट है, हमने इसे श्रेया हमारे, बैनर्जी। हाँ श्रेया बनर्जी, स्पेशल शाउट आउट टू यू, मतलब हमारे दोस्त हमारे इतनी वीडियोस नहीं देखते, टू बी फ्रेंकली करेक्ट, स्पीकिंग हमारे दोस्त नहीं देखते, मतलब तुमने जो हमें सपोर्ट दिखाया थ्रू आउट दिस जर्नी, वेरी मच थैंकफुल भाई, आई थिंक बनारस शहर में ही प्यार है, ये तो हमने पहले ही कहा है, ठीक बनारस में है। क्या तो ये प्यार है। हमारा Q&A सेशन इसी के साथ खत्म हुआ है। तो गाइस कहानी ऐसी है कि हमें प्लान करना था, ये वीडियो बनाना था बजट के लिए, तो हमने सोचा था कि कोई एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पे थोड़ा सा हिल्स हो, माउंटेन हो, थोड़ी ग्रीनरी हो, रांची के आसपास हर जगह, तो वहाँ जाके बनाएंगे, थोड़ा वाइब आएगा। लेकिन हुआ यूँ कि नहीं आ पाया, आलस भाई, घर आने मतलब के बाद वही, उससे बड़ा मतलब आलसी कोई नहीं होता है। हुआ क्या कि कभी मौसम खराब हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी लेट से उठ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो फाइनली ऐसा लगा कि अब ठीक है, उसके बाद घर ही में बना लेते हैं। मतलब क्योंकि एक सेकंड थॉट था कि घर में बनाते हैं, घर का थोड़ा आपको स्टूडियो टाइप का जो माहौल है वो दिखाते हैं कैसा है, जहाँ हम लोग बैठ के काम करते हैं। फिर आज हम लोगों का प्लान हो कि ठीक है घर में बनाते हैं, तो सर ने बताया कि
कि इन्हें रिंग लाइट खरीदनी है। रिंग लाइट हमने खरीद ली है, बढ़िया एकदम बेहतरीन जाके बढ़िया लाइट आ रहा होगा क्या, कैसा लग रहा है? फोकस्ड लग रहा है ना एकदम, अच्छा माहौल पूरा सेट लग रहा होगा आपको। तो फटाफट हमने रिंग लाइट खरीदी जाके, 3,500 रुपए लगा, थोड़ा बजट इनका था थोड़ा बजट हमारा था, दोनों मिला के हम लोग खरीद लिया। काफी अच्छा खरीदे भाई, क्वालिटी एकदम जबरदस्त। उसके बाद भाई साहब ने कुछ सारे जो फ्रेम्स पीछे दिख रहे हैं, ये फ्रेम करवा के रखा था। इसमें मेजरली इंडिया का पबजी बेस्ड वॉलपेपर है। जब BGM आया तो ये वॉलपेपर आया था जिसमें कि पीछे ताजमहल है, चार मीनार है और आगे रेड फोर्ट है, और आगे बंदा है गन लेके और इधर भी फाइट चल रहा है। तो बेसिकली ऐसा ही है कुछ। ये सारे स्टिकर्स पीछे जो ये खड़ा है आदमी, ये जो गेमर लिखा है, सब कुछ था हमारे पास, ठीक है। तो बट ये इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था अच्छा करेंगे। तो आज हमने सोचा है कि जब हमें वीडियो रिकॉर्ड करना है तो ऑब्वियसली वीडियो आपको पता है क्वालिटी हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वीडियो क्वालिटी में हम लोग चाहे कुछ ऐसा किया जाए कि देखने वाले को मजा आए, मतलब लगे कुछ देख रहे हैं यार। ऐसा कहीं हमें भी लगना चाहिए कि हम कहीं बैठे और हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हमें आज थोड़ा वाइब आना चाहिए। तो आज जो आप देख रहे हो कि पीछे पूरा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, और ये हमने अपना गेमिंग रूम कह सकते बनाया है, और या फिर भी कैसे वीडियो एडिटिंग के लिए रूम बनाया है, स्टूडियो कह लो इसे, कॉम्पैक्ट स्टूडियो कह लो। करेक्ट, कॉम्पैक्ट तो नहीं है, काफी बड़ा है मतलब वो कॉम्पैक्ट सारे काफी अच्छा लाइक। और जब से हम लोग लद्दाख से हैं उसके बाद इस रूम में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, लाइक वी गॉट अ न्यू PC। जी हां, इसका भी आपके पास ब्लॉग आएगा। हां, इसका भी आएगा, बहुत सारा ब्लॉग आपके पास आने वाला है, तो गेट रेडी, ठीक है। ब्लॉग अपने पास है बहुत, अभी मेरे को याद आया फटाफट। और अगला ब्लॉग हमारा आने वाला है, अगला एज इन अगला जो बड़ा ट्रिप होने वाला है, जो हमारा ड्रीम ट्रिप, वी कैन से ड्रीम तो लद्दाख भी था बट ड्रीम तो हो गया, अरे बहुत है, मतलब बकेट लिस्ट ट्रिप कहना। हाँ, बकेट लिस्ट वी कैन से, और जो करना है प्रायोरिटी भी है, और वो है केदारनाथ। तो केदारनाथ की तैयारी हो रही है, उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मतलब ये सब करके आएंगे, टुंगनाथ। और ये भी एक हमारे दिमाग में एक एडिशनल आया है थॉट कि अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे जब भी हम लोग राइड पे रहें तो राइड की वीडियोस एटलीस्ट कोशिश करें हर 2 दिन में डालें, सो दैट आप हमेशा हमारे राइड में हमारे साथ घूमें, लाइक हमारे वापस आने के बाद ना घूमें, साथ घूमें। बाकी दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको बहुत ही यूजफुल रहा होगा ये वाला वीडियो, और बहुत ही ज्यादा काम आया होगा, और अच्छा भी लगा होगा फॉर श्योर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर 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 लाइक करना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती की, फटाफट सब्सक्राइब करो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो बीस्ट को, ठीक है, फॉलो करो हमें। बहुत ज्यादा मजा आया होगा आपको लद्दाख सीरीज में, हमें तो आया। आई थिंक जिन्होंने पूरा देखा वो पूरा डिटेल में समझ गए होंगे पूरा माहौल। एडवेंचर था, अलग सा, एकदम ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स थे, वैसे लैंडस्केप जो हम लोग बुक्स में देखा करते थे एंड पिक्चर्स में देखा करते थे, बिल्कुल वैसा ही माहौल था। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, और चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना, घंटी भी दबा लेना, ताकि अगर सब्सक्राइब कर दिया मतलब पसंद आ रहे हैं, तो अब पहले वीडियो चाहिए तो भाई घंटी जरूर दबा ले। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।